तो दोस्तों आज हो गई है 2 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, महंगाई के मुद्दे पर संसद में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार से पूछे हैं तीखे सवाल, तो लोकसभा में बोली है निर्मला सीतारमण, कहा भारत में नहीं आएगी मंदी। विरोध में कांग्रेस सांसदों का वॉकआउट, खबर आप लोगों को बताते चलें। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि भारत का मंदी की चपेट में आने का कोई सवाल ही नहीं है, और इसके बाद यहां पर विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेर रहा है। वित्त मंत्री के संबोधन के दौरान जैसे ही निर्मला सीतारमण बोलने के लिए उठी तो कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि वित्त मंत्री के जवाब यहां पर पूरी तरह से निराशाजनक हैं और मोदी सरकार संसद के अंदर भी झूठ यहां पर बोल रही है। ये यहां पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है महंगाई के मुद्दे पर संसद के अंदर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं पीएम मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी। जी हां दोस्तों खबर बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज प्रहलाद मोदी दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। प्रहलाद मोदी ने कहा है कि बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता है, हम भी अपनी मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये यहाँ पर नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोलने वाले हैं। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा, बोले जल्द ही गिर जाएगी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार। खबर बताते चलें, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से शुरू हुआ राजनीतिक घमासान अब तक लगातार जारी है। शिवसेना के नेता संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जमकर के बयानबाजी हो रही है और शिवसेना हमलावर है केंद्र सरकार पर। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में विश्वासघात को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है, इसलिए एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार निश्चित रूप से जल्द ही गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा है कि शिंदे सरकार का ध्यान गंदी राजनीति पर है, जनता के कल्याण पर नहीं। उन्होंने शिंदे सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि यह सियासी नाटक 1-1.5 महीने तक ही चलेगा, उसके बाद यहां पर शिंदे सरकार गिर जाएगी। ये बड़ा दावा कर दिया है आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार को लेकर के। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स मिलने पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी का केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भाजपा सरकार पर हमला, कहा गुजरात में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म है, यहां पर माफिया की सरकार है। खबर बताते चलें, गुजरात में लगातार हो रही ड्रग्स की बरामदगी को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि कौन लोग हैं जो ड्रग्स और शराब के माफियाओं को लगातार संरक्षण दे रहे हैं। गुजरात के युवाओं को नशे में आखिर क्यों धकेला जा रहा है, ये राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है। और वहीं दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने यहां पर सवाल पूछा है और कहा है कि एक ही पोर्ट पर 3 बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद उसी पोर्ट पर लगातार ड्रग्स आखिर कैसे उतर रही है, क्या गुजरात में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, माफिया को कानून का कोई भी डर नहीं है क्या, ये माफिया की सरकार है क्या, ये यहां पर तोटू कहना है राहुल गांधी का। और वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि गुजरात में एक ही पोर्ट से 3 बार लगभग 22,000 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ है। मीडिया में चुप्पी है, सरकार में सुस्ती है, सरकार की सारी एजेंसियां सन्नाटे में हैं, बीजेपी सरकार की नाक के नीचे से माफिया पूरे देश में ड्रग्स बांट रहे हैं, कानून व्यवस्था असहाय है या माफिया से मिली भगत है। ये यहां पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर हमलावर हो गए हैं भाजपा सरकार पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को,
यूपी में अब लेखपाल परीक्षा का पेपर हुआ लीक, तो वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर उठा दिए हैं सवाल। खबर बताते चलें, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें आती रही हैं। अब लेखपाल परीक्षा में नकल का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर के विपक्ष तो हमलावर है ही योगी सरकार पर, और वहीं अब भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी ने भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट कर पूछा है कि आखिर कब तक संगठित रूप से चली शिक्षा माफिया युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता रहेगा। एक तो देश के अंदर बेरोजगारी इतनी है, और ऊपर से जो जगह आती है उनके लिए परीक्षा होती है, और फिर यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है। ये यहाँ पर एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर वरुण गांधी हमला पर है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। संजय राउत के समर्थन में राहुल गांधी का ट्वीट, कहा राजा का संदेश साफ है। खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शिवसेना के सांसद संजय राउत के सपोर्ट में उतर आए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि राजा का संदेश साफ है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों का हौसला तोड़ने और सच का मुंह बंद करने की पुरजोर कोशिश लगातार जारी है, लेकिन तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य ही जीतेगा और अहंकार हारेगा। ये यहाँ पर ईडी की हिरासत में संजय राउत हैं, और उसके बाद अब राहुल गांधी संजय राउत के सपोर्ट में उतर आए हैं और मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जीएसटी के विरोध में सड़कों पर यूथ, कांग्रेस श्रीनिवास बोले लूटो और राज करो है मोदी सरकार की नीति। खबर बताते चलें, देश भर में जीएसटी की दरों को लेकर के भारतीय युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार ने जनता को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, कई खाद्य सामग्रियों पर जीएसटी की दरें बढ़ा दी हैं। इस मसले पर हजारों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और हाथों में तख्ती लेकर के अपना विरोध उन्होंने यहां पर दर्ज करवाया है। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र सरकार गब्बर सिंह टैक्स का प्रहार जनता पर बंद करे और जल्द से जल्द नीतियों में सुधार करके जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करे। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि गब्बर सिंह टैक्स का प्रहार जनता पर लगातार जारी है। दही, पनीर, लस्सी जैसे उत्पादों पर भी टैक्स वसूली करके मोदी सरकार ने बता दिया है कि उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ लूट है, राहत पहुंचाना नहीं है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर वो चाहे गेहूं हो, चावल हो या फिर अन्य अनाज, मोदी सरकार के द्वारा 5% जीएसटी लगाने का फैसला लूट नीति का ही हिस्सा है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भड़के हैं, केंद्र की मोदी सरकार पर लूटो और राज करो की नीति का लगाया है आरोप। अगली अपडेट बताते चलें, गुजरात में केजरीवाल ने युवाओं से किए हैं 5 बड़े वादे, बोले हर बेरोजगार को रोजगार देंगे, बेरोजगारों को प्रतिमाह 3,000 का भत्ता भी। खबर आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के राजकोट में दौरे बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का 7 दिनों में यह दूसरा राजकोट का दौरा है। इससे पहले उन्होंने व्यापारियों के साथ में संवाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था और यहां पर जहरीली शराब को लेकर के हमला किया था। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से 5 वादे भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, हर युवा को 5 साल के भीतर हर बेरोजगार को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। हमने दिल्ली में करके दिखाया है, वहां पर पिछले 5 साल में 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया है। मुझे रोजगार देना आता है और मेरी नीयत भी साफ है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने सभी मंत्रियों के साथ में बैठक कर यह प्रण लिया है कि अगले 5 साल में 20 लाख बच्चों को और नौकरी देंगे। ये यहाँ पर केजरीवाल ने वादा किया है। इसके साथ ही कहा है कि हर बेरोजगार को रोजगार देंगे और जब तक नौकरी नहीं तब तक 3,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देंगे और 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है। पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाएंगे, सहकारी क्षेत्र की भर्ती में सिफारिश और भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, आम युवाओं को नौकरियां मिलेगी। ये यहां पर अरविंद केजरीवाल ने तमाम बड़े वादे किए हैं गुजरात की जनता से। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बुधवार को होगा पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, कई मंत्रियों का होगा पत्ता साफ।
जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिया है कि मंत्रिमंडल का एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, जिसमें कई दिग्गज अपना मंत्री पद खो सकते हैं। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर बहुत सारी अटकलें चल रही हैं। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि सुचारू कामकाज के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में कुछ मौजूदा कैबिनेट सदस्यों को उनके मंत्री पद से मुक्त किया जाएगा और उनके अनुभव का पार्टी संगठन में उपयोग किया जाएगा। इसी तरह 4 से 5 नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा कैबिनेट में। ये यहाँ पर ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीबी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।